थोड़ी ठंडी लस्सी है, इसे पी के अगर कोई बंदा सो जाए इतना बड़ा ग्लास 400 रुपए का, तो वो नहीं उठे सुबह तक। Hey guys, what's up? It's Arguri Verma. It's Anjana from Foodaholic. तो कैसे हैं आप लोग? Hope you guys are doing great. तो पानीपत की वीडियो बनाने के बाद हम दोबारा से आ चुके हैं अपने शहर करनाल में कमाल करने के लिए। तो आज हम आए हैं थोड़ी अलग सी लोकेशन पे, जो लोकेशन है वो संजना बताने वाली है। लोकेशन पे आया, इस प्लेस का नाम है पहले आपको बता दूं, बिरयानी पॉइंट। और इसकी लोकेशन ये है दयाल सिंह कॉलेज रोड नियर प्रवीण गर्ग हॉस्पिटल करनाल। तो बिरयानी पॉइंट के नाम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम बिरयानी या फिर और मतलब देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी है यहाँ पर। तो मैंने देख के पता चलेगा, उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो गुरु जल्दी आ जाए भाग के। यहाँ के ओनर, बिरयानी पॉइंट के ओनर, हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। मैं बढ़िया सर, अपना नेम बता दीजिए। मेरा नाम साविर सलमानी है, मैं सलीम सलून का ओनर हूँ बिरयानी पॉइंट का। ये सलीम सलून आपका ही है साथ में? यस। और मतलब आपकी यहाँ पे बिरयानी पॉइंट को कितना टाइम हो गया? हमारी बिरयानी पॉइंट को 2 मंथ्स हुए हैं, और हम करनाल में सबसे स्पेशल लेके आए बिरयानी पॉइंट। वैसे तो हमारा वेज प्लस नॉन वेज का A to Z सारा कुछ है, और हमारा स्पेशल तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही है, लेकिन हमारा स्पेशल बिरयानी का है। और जो हमारा ये ओपनिंग टाइम है इसका, मॉर्निंग में 10 o'clock टू नाइट 10 p.m. यस। This is the menu of the biryani point. सबसे पहले हमें जो आइटम दिख रही है तंदूरी नॉन वेज आइटम्स में, जिसमें मतलब सारा चिकन, चिकन करी, कबाब, ये सब आने वाला है। फुल एंड हाफ के हमारे पास ऑप्शंस हैं। देन रोटी, पराठा, कुलचा, नान, इसमें 8 रुपीज़ से 40 रुपीज़ तक के हमारे पास वैरायटी है, मतलब चार्जेस इतने रहने वाले हैं। फिर तंदूरी वेज आइटम्स हैं, जिसमें काफ़ी पनीर की आइटम्स हैं, मशरूम की आइटम्स हैं, चाप में 4 वेराइटी हैं। देन सैलड, जिसमें चिकन सैलड भी है, रायता की 4 वेराइटी है। इंडियन वेज में आने वाला है पनीर का जायका, वाओ, इसमें मतलब पनीर और ये दाल वगैरह की आइटम्स है सारी। बिरयानी में हैदराबादी बिरयानी एंड वेज बिरयानी है। देन है सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है नॉन वेज का मेन कोर्स है, कढ़ाई चिकन, मसाला चिकन है सारा सब कुछ। मटन स्पेशल में है, वो 450-450 प्लेट आ रही है। फिर है वेज का कॉम्बो, और आगे ये सारा मतलब इसका कॉम्बो का रेट है। फिर नॉनवेज कॉम्बो है, इसमें आप मतलब ऑप्शंस है जो जो मतलब चूज़ करना चाहें। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस मेंशन है फॉर डिलीवरी दिस 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 एंड मिनिमम ऑर्डर 250। ये अभी हम मतलब सब वेज चीज़ें ही खाते हैं, आपको पता ही है। तो तंदूरी चाप करवा रहे हैं हम, जिसका प्राइस है 120 रुपीज़। और एक हम करा रहे हैं पनीर मलाई टिक्का, जिसका फुल प्लेट का तो 210 है प्राइस, लेकिन हम हाफ करवा रहे हैं क्वांटिटी कि खाई ना जाए। वेज बिरयानी करवा रहे हैं 120 की। और एक सॉफ्ट ड्रिंक में से हम करवाने वाले हैं स्वीट लस्सी, यानी कि मीठी लस्सी, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। अभी हमारी लस्सी और बिरयानी आ चुकी है, वेज बिरयानी। वैसे तो वेज वालों के लिए पुलाव होता है, पर हमारे लिए यही बिरयानी है, यही सब कुछ है। तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो बिरयानी वालों के लिए यहाँ पे लेग पीस तो नहीं होता, पर इसमें पनीर होता है हल्का फुल्का। इसका टेस्ट एक नंबर है, चटपटी है फुल। साथ में सैलेड भी है, और फुल मसालेदार हो रही है, थोड़ी स्पाइसी भी है, अच्छी लग रही है। और ये है हमारी लस्सी, ग्लास देख सकता है, ये संजना की ने मंगवाई थी, तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसे फटाफट से। आहा, बड़ी ठंडी लस्सी है, इसे पी के अगर कोई बंदा सो जाए इतना बड़ा ग्लास 400 रुपए का, तो वो नहीं उठे सुबह तक। तो गाइज, अब हमारा आ चुके हैं तंदूरी चाप, और ये हमारा हाफ क्या है, पनीर मलाई टिक्का। तो ये मलाई वाला है तो ये वाइट वाइट है। पहले मैं क्या टेस्ट करूँ, पहले मैं तंदूरी चाप टेस्ट करती हूँ। मिंट सॉस के साथ भाई,
प्लेट नहीं देना है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, थोड़ा टैंगो सा, टैंगी सा फ्लेवर होता है ना, चटपटा सा फ्लेवर होता है वैसे, वो स्पाइसी वाला नहीं, थोड़ा खट्टा खट्टा वैसा टेस्ट है। इसके ऊपर शायद लेमन इन्होंने करा हुआ है से स्क्वीज, अच्छा लग रहा है। और तंदूर भी बिल्कुल सही हुआ है, यानी कि ज़्यादा हो गया, थोड़ा जला हुआ भी नहीं लग रहा, सही है, परफेक्ट। और ये हमारा पनीर मलाई टिक्का, कितना सॉफ्ट है ना, बेचारा ऐसा लग रहा है कच्चे उतार दिया ना। इसमें तो एफर्ट ही नहीं लगे हैं चबाने में, पर जैसे कि मुझे पनीर थोड़ा कम पसंद है, टेस्ट अच्छा है, थोड़ा फीका कम मतलब लगता है मुझे पनीर अंदर से, क्योंकि बाहर से तो जो हो जाता है उसका बेचारे अंदर से वो ऐसे ही रह जाता है, तो मुझे ये पनीर वाली आइटम मुझे ठीक ठीक लगते हैं, मुझे चाप ज़्यादा अच्छी लगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया बिरयानी में और चाप में, और सबसे ज़्यादा आया लस्सी में, हाय हाय। और जो मैंने ऑर्डर किए थे अपने लिए, इसने मंगवाई थी, मैंने सोचा था क्या, मैंने तो पीनी नहीं थी, मैं सोचा एक दो सिप लूँगा इसमें से लूँगा, फिर बाद में मेरी से लड़ाई हो रही है, मुझे दे। आधी पी गया, इतनी बड़ी। और कुछ ट्राई ना करो ना करो, चाप और लस्सी जरूर ट्राई करके जाना यहाँ। और बिरयानी पॉइंट नाम है ना, मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत, बिरयानी पॉइंट नाम है, बिरयानी भी एक नंबर है इनकी। और मैं एक चीज जानना चाहूँगी, जो यहाँ जैसे यहाँ पे वेज और नॉन वेज की दोनों की वैरायटी है, तो उनका सेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, बर्तन भी सब अलग है, वरना होटल्स में रेस्टोरेंट में इकट्ठे होते हैं, यहाँ बिल्कुल अलग अलग बनता है सब कुछ, और बर्तन भी सर्व भी अलग अलग बर्तन में किया जाता है, तो आप बेफिक्र होकर खाने आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले थर्सडे, बाय 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 बाय।